अच्छा इस सत्संग में सतभक्त से मिलने के लिए पांच नए बच्चे आए हैं। अरे बट्टी करके नए नए बट्टी करके नए नए आ गए पूरे पांच पांडव। पांच पांडव ही बन गए आ गए। कौन कौन है? एक दो हाथ उठाओ पांच एक दो तीन चार और पांच। हाँ बड़े बूढ़े भी हैं है, नौजवान भी हैं, अदर कुमार हैं, अदर कुमारियां हैं। बैठो बैठो बैठो, कुमारियां भी हैं, कुमार नहीं है कोई है? अच्छा 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 ठीक है। बीके से आए हैं। बीके से पांचों बीके से एक को छोड़ के हाँ किन को छोड़ के कन्या को छोड़ के बाकी सब बीके से आए। कन्या बीके से नहीं आई इस जन्म में कन्या बन के आई है तो ब्रह्मा कुमारी तो है ही। अब पिछले जन्म में बनी होगी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा की। और एक मुरली में गणित का गीत है, गणित का गीत गाते हैं लेकिन भगवान के नहीं बनते। गणेश के गीत गाते हैं? गणिकाएं गणिकाएं गीत तो गाती हैं भगवान के, भगवान लेकिन भगवान की नहीं बनती हैं। यहाँ भी ऐसी गणिकाएं बहुत सरेंडर होती हैं, सिर्फ दूसरों को ज्ञान सुनाती हैं, भगवान के गीत गाती हैं ज्ञान सुना सुना करके, लेकिन खुद भगवान की बन के नहीं रहती है। क्या नहीं समझ में आया है? हाँ घर भागती रहती है, घर घर उन्हें घर याद रहता आता था, अपना घर नहीं याद आता। जब सरेंडर हो गई गणिका मैंने गीत गाने वाले गीत तो गाती है भगवान के लेकिन याद कहाँ करती है? घर को याद करती है, उन्हें घर ही घर याद आता रहता है, लौकिक परिवार याद आता रहता है, लौकिक संबंध याद आते रहते हैं। अरे जब भगवान की बन गई तो घर कहाँ हो गया? हाँ जहाँ रहते हैं खाते हैं सोते हैं घर कहाँ हो गया? घर तो वही हो गया, घर वाला कहाँ हो गया? वही घर वाला भी हो गया। तो उल्टा करते हैं उनको घर गणिका बता दिए। और बाबा आज के मूवी में प्रजापिता का शब्द आया ना, हाँ वो मम्मा का प्रेम में रहता है, वो मम्मा का प्रेम में है ना? मम्मा का प्रेम मतलब 62 में? हाँ बाबा 62। हाँ मम्मा रहता था ना, हाँ उम्र तो मम्मा का जानते नहीं था क्या? नहीं उस समय तो यही समझते थे कि ब्रह्मा ही प्रजापिता है। और बाबा वो जापान वाले है ना बाबा, हाँ वो अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं क्योंकि वहाँ सूर्य पहले निकलता है दुनिया में। हाँ बाबा पूर्व में सूर्य निकलता है, उत्तर पूर्व में, ईशान कोण में सूर्य को भगवान समझते हैं, जड़ सूर्य को भगवान समझते हैं। है वास्तव में बेहद ज्ञान सूर्य की बात। हाँ वहाँ सुनामी आई, हाँ वहाँ सुनामी आई और बहुत विस्फोट हुआ। हाँ जो समझते हैं अपने को, हाँ उनकी बात है। हाँ बाबा वहाँ जापान में कौन समझते हैं? भारतवासी समझते हैं, देवी देवता सनातन धर्म वाले समझते हैं या बौद्धी समझते हैं? बौद्धी। हाँ मतलब सूर्यवंशी का कोई हिल गया या हा? कोई सूर्यवंशी का हिला या हाँ कोई सूर्यवंशियों का मुखियाओं में से कोई सूर्यवंशी होगा उनको माया ने हिला दिया ऐसे समझते थे, अहंकार था ऐसे कि हम ही सूर्यवंशी हैं। वास्तव में सूर्यवंशी हैं तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? सूर्य की तरफ जानी चाहिए,
या सितारों की तरफ जानी चाहिए, सूर्य की तरफ जानी चाहिए। तो हिलाई दिया माया ने। बाप क्या कहते हैं, माया को क्या डायरेक्शन देते हैं? जो बच्चे श्रीमत के अनुकूल न चले, थोड़ा भी विपरीत हो जाए, विपरीत बुद्धि बन जाए, तो क्या करो उनको, खूब हिला दो तो आंख खुल जाए। हम ये क्या कर रहे हैं? आज के मुरली में जटाई के बारे में बता देना। वो जटाई बेहद कौन है? रावण ज्ञान योग के पंख तोड़ देता है। माया रावण का काम क्या है? बहुत से बच्चे हैं जिनको ज्ञान योग के पंख तो मिलते हैं, लेकिन रावण क्या करता है, माया क्या करती है, ज्ञान भी बुद्धि में से उड़ाई देती है, फिर याद भी उड़ाई देती है। जब ज्ञान माने पहचान, बाप की पहचान बुद्धि में से उड़ गई, तो याद अपने आप उड़ जाएगी। लेकिन सीता को नहीं बचा सका ना वो रावण के। रावण सीता को नहीं छोड़ता है, वो जटायु जटायु को तो पूरा ही मार देता है। बेहद में सीता थोड़ी मरती है, सीता को नहीं बचा सकता है। सब सीता है वो, हाँ, जटायु रावण को नहीं, जटायु जो है वो रावण से सीता को छोड़ा ही नहीं पाता। खुद ही अनिश्चय बुद्धि बन गया, सीता को कहाँ से छोड़ाएगा? जो खुद अनिश्चय बुद्धि बन के रहे तो पावरफुल बने तो सीता को छोड़ाए रावण की जेल से। बाप के सहयोगी बने, माने बाप का अंत तक सहयोगी नहीं बन पाते। बेंगलोर में लोक सिंह ने एक ब्रह्म का मंदिर चालू किया। ब्रह्मा का मंदिर बंगलोर में। क्या बात है, पूजा नहीं है ब्रह्मा का? पूजा नहीं होती, अब चलता है बेंगलोर। मंदिर आते हैं मद्रास में, बाबा ब्रह्मा का मंदिर हो रहा है, ब्रह्मा का पूजा नहीं होता पर मंदिर बन रहा है, इसलिए बन रहा है। वो पूछ रहे हैं, हाँ, वो कैसे ब्रह्मा को मानने वाले का मंदिर बन रहा है ना, तो कोई होगा ऐसा ब्रह्मा कुमार जो बाप को तो भले छोड़ दे लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को नहीं छोड़ पाता था, तो क्या करेगा? उसकी ज्यादा श्रद्धा बाप के ऊपर है कि अम्मा के ऊपर है? अम्मा के ऊपर है, तो फिर वो सेंटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जब उसे बुद्धि में बैठ जाएगा कि हमारी अम्मा ब्रह्मा फिर भी वो उसी रूप में है, वो ब्रह्मा कुमारी समझती तो मर गया, छोड़ गया, अब वो बीज रूप स्टेज में नहीं है, वो तो भूत प्रेत बन गया, पूरा ज्ञान तो है नहीं। लेकिन जो एडवांस में एक बार आ जाते हैं फिर दोबारा एडवांस में ही उनको आना होता है या बेसिक में ही बने रहेंगे? वो एडवांस में भी आ जाते हैं। अब एडवांस में आ जाएंगे तो मंदिर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? एडवांस में मंदिर नहीं बनाएंगे, बेहद का मंदिर, हद का नहीं, बेहद का मंदिर, जिसकी यादगार में गीता मंदिर बने हैं। गीता मंदिर किसकी यादगार में बने? गीता पाठशालाओं की यादगार में बने। गीता पाठशालाओं में निमित्त कौन होते हैं? युगल निमित्त होते हैं। और बाबा साढ़े चार लाख में 1 लाख सूर्यवंश होता है, बाकी सब लोग शरीर छोड़ते हैं क्या? 4.5 लाख में 1 लाख सूर्यवंशी है? क्यों 4.5 लाख सूर्यवंशी नहीं है? अगर 4.5 लाख सूर्यवंशी नहीं बनेंगे तो सत्युग में जो पहली जनरेशन होगी राधा कृष्ण की डायनेस्टी की, वो सूर्यवंशी जनरेशन पैदा होगी या दूसरे वंश वालों की जनरेशन पैदा होगी? सत्युग में राधा कृष्ण जैसे सूर्यवंशी पैदा होंगे ना बच्चे? कितने बच्चे पैदा होंगे? यथा राजा तथा प्रजा, 4.5 लाख बच्चे पैदा होंगे।
उनको जन्म कौन देगा? सूर्यवंशियों को सूर्यवंशी ही जन्म देंगे या दूसरे वंश के जन्म देंगे? जो 4.5 लाख हैं वो भी सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, ये कहेंगे कि 1 लाख पहले बन जाएंगे और बाकी 3.5 लाख उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बनना तो पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सूर्यवंशी बनना तो पड़ेगा, देह अभिमान का छिलका है झाड़ना तो पड़ेगा। आठ अपने आप अपने पुरुषार्थ से छिलका निकाल लेते हैं देह अभिमान का, और बाकी बाकी आज धर्मराज 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 ही कूद पड़ा मुरली में। एक एक बार अनिश्चय 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 चक्र। हाँ, अनिश्चय में कौन लाती है? माया। किसका संग हो जाता है? मायावियों का संग हो जाता है या ईश्वर के बच्चों का संग होता है? माया। हाँ बाबा, अभी बहुत कम समय में चांदी का कीमत 3 गुना बढ़ गया। चांदी की उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि ऐसे सूर्यवंशी जो सूर्यवंशी राम के पक्के फॉलोअर बनते हैं उनकी दुनिया में संख्या बहुत कितनी है? ज्यादा है कम है? कम है, बहुत कम है। जो पक्के सूर्यवंशी हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो चांदी का भी स्टॉक दुनिया में बहुत कम है। दूसरे शब्द में कहो टाइगर्स दुनिया में बहुत गिने चुने हैं, शेरों की संख्या फिर भी है लेकिन टाइगर्स बहुत थोड़े हैं। तो जो चीज थोड़ी होगी मार्केट में, थोड़ी चीज आएगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। उसकी कीमत बढ़ जाती है तब चांदी की भी कीमत बढ़ेगी। जब प्रत्यक्ष होगा बच्चे, ऐसे सूर्यवंशी बच्चे प्रत्यक्ष होने की स्टेज पर आएंगे तो उनकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी। वो स्थूल चांदी है और ये बेहद की चांदी है। सोना ज्यादा घिसता है या चांदी ज्यादा घिसती है? अगर घिसा जाए तो चांदी ज्यादा घिसेगी या सोना ज्यादा घिसेगा? नहीं, चांदी करती जाता है। चांदी नहीं ज्यादा घिसती है, सोना ज्यादा घिसता है, सॉफ्ट भी होता है। चांदी कड़क होती है। सूर्यवंशी ज्यादा कड़क है या चंद्रवंशी ज्यादा कड़क है? सूर्यवंशी। चंद्रवंशी बेचारे बकरी जैसे जिसने कान पकड़ लिया वह उन्हीं के हो जाते हैं, वो तो अम्मा है। जो बच्चा मजबूत होगा वह उसी के अंदर में चलने लग पड़ेगी। और हर महीने मिनी मधुबन का संगठन में शामिल होने के लिए हम सबको डायरेक्शन दिया गया है बाबा। हर महीने बेंगलुरु मिनी मधुबन में संगठन में शामिल करने के लिए महीने में एक बार, महीने में एक बार। गीता पाठशाला क्या जो इंचार्जेस हैं उनमें से किसी एक को तो जरूर हेड ऑफिस में कनेक्शन रहना चाहिए। एक हाँ, महीने में एक बार। और बाकी भी जाए तो अच्छा है। जैसे बीमारी लोग हैं और बांदेली माता है। आगे चल करके जितने भी अभी बच्चे हैं और बूढ़े लोग हैं, बूढ़े हैं चाहे जवान हैं चाहे अधर कुमार हैं चाहे अधर कुमारियां हैं, आगे चल के सबको टीचर बनना है कि नहीं बनना है? तो सबको गीता पाठशाला खोलनी पड़ेगी, नहीं खोलनी पड़ेगी? कोई की चलती फिरती गीता पाठशाला भले हो लेकिन गीता पाठशाला वाले तो सब हो जाएंगे। तो गीता पाठशाला वालों को हेड ऑफिस से कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। गीता पाठशाला को ठीक है, बाकी लोगों को, बाकी परिवार वालों को अब बता दिया ना, जो भी परिवार वाले हैं यथा राजा तथा प्रजा वो सारे ही
सब टीचर्स हैं, तो टीचर्स को अभी से ही वो गति पकड़ लेनी है कि हमें पूरे ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन अभी से ही रखना है, हेड ऑफिस से पूरा कनेक्शन रहना चाहिए। साउथ स्टेशन वाले है ना, यहाँ महीने में ही एक बार संगठन यहाँ रखते हैं। हाँ? यहाँ शामिल होते हैं वो, यहाँ यहाँ तो हर चार बार आते हैं, यहाँ तो चार बार आने के लिए बोला है, तो रेगुलर स्टूडेंट माने जाएंगे। साउथ स्टेशन वाले सिर्फ एक बार संगठन में आते हैं, एक ही बार सिर्फ, यहाँ एक ही बार, और मिनी मधुबन में दूसरा बार, मिनी मधुबन में एक बार और गीता पाठशालाओं में चार बार, तो कम से कम मुसलमान और क्रिश्चियन तो बने रहेंगे। संडे संडे जुम्मा जुम्मा भगवान के तो बने रहेंगे, भगवान को मानने वाले तो रहेंगे, कम से कम आस्तिक तो रहेंगे, नास्तिक की लिस्ट में तो नहीं आ जाएंगे, तो फिर अच्छी बात है ना। अभी तो कितने मुसलमान और कितने क्रिश्चियन बनते चले जा रहे हैं, कम बन रहे हैं कि ज्यादा बन रहे हैं? गीता पाठशालाओं में जाके देखो पहले कितनी आबादी होती थी, पहले कितने रेगुलर स्टूडेंट होते थे क्लास में, और अब बहुत संख्या कम होती जा रही है। सप्ताह सप्ताह में आने वालों की संख्या होती है, बाकी रोज की संख्या होती नहीं, कहीं कहीं तो बस युगल ही बैठते हैं क्लास में, कोई स्टूडेंट आता ही नहीं, युगल भी नहीं बैठते, अकेली माता ही बैठती है, अकेली माता धोनी रमाती है। और एक वाक्य है, आत्मा जब परमधाम जाती है तो अपना अच्छे बुरे कर्मों की संस्कार को नहीं ले जाती है, यही छोड़ के जाती है। ये यही सारे हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे, जीरो बन जाएंगे, यहाँ सारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब चुकते होके क्या बन जाएंगे? जीरो बन जाएंगे। जैसे यहाँ राजा ही किसी की पलते हैं तो यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है, अब परमधाम में पलेंगे तो क्या हो जाएंगे? परमधाम का राजा कौन है? शिव बाप। तो बच्चे कैसे होंगे? शिव बाप को कोई कर्मों के संस्कार होते हैं वहाँ? नहीं, ऐसे ही बच्चे भी होंगे, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। लेकिन बाद में हूबहू ड्रामा रिपीट करते हैं ना, और किसके आधार पर वो करते हैं? वो संस्कार ही नहीं, काल के आधार पर वो संस्कार इमर्ज, तभी का अभी अभी काल इमर्ज हो रहा है, किसको कितना लंबे ड्यूरेशन तक किस सचिदू की रंगमंच पर पार्ट बजाना है वो अभी निश्चित हो रहा है। तो कुछ भी संस्कार नहीं रहेगा बाबा? कुछ कोई संस्कार नहीं रहेगा, जैसे बाप वैसे वैसे बच्चे, सब बच्चे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। जो भी आत्मा ऊपर से उतरेगी कैसी होगी? सत्वप्रधान स्टेज में होगी, तमोप्रधान स्टेज में होगी, सत्वप्रधान स्टेज में होगी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में होगी। फिर कोई को संग का रंग जल्दी लगेगा और कोई को संग का रंग देर लगेगी। बाबा प्रैक्टिकल में हम राम को देख सकते हैं स्थूल रूप में, मगर राम को हम नहीं देख सकते हैं, रावण कौन है? रावण को नहीं देख सकते स्थूल रूप में, है स्थूल रूप में रावण ना, अब कौन है? जो लोगों को ज्यादा रुलाए सो रावण, कोई तो ऐसा होता होगा जो ज्यादा रुलाने का निमित्त बनता हो? बहुत लोग होते हैं। एक जैसे होते हैं क्या रुलाने वाले? एक जैसे होते हैं कि नंबर वार होते हैं? नंबर वार होते हैं, उसमें कोई 100% भी होगा, तो जो 100% लोगों को रुलाए वो ही बड़ा रावण हुआ। अब बताओ बड़ा रावण कौन हुआ? हाँ, तो सबसे ज्यादा रुलाने वाला कौन, कोई आत्मा होगी कि नहीं होगी परसेंटेज में? कौन है? रामी रावण होता है। आखिर में जब एटम के आखिरी विस्फोट होंगे तो कराने वाला कौन? शक्तियां तो असुर संहारिणी बनती हैं, लेकिन उन शक्तियों के द्वारा कराने वाला कौन? कराने वाले का ज्यादा पाप या करने वाले का ज्यादा पाप? कराने वाले का ज्यादा पाप। तो बड़ा रावण कौन हुआ?
ये इतनी दुनिया 84 जन्म इसमें हमने सुख भोगा है, है? तो लगाव तो लग गया सभी आत्माओं को, चाहे वो भूत प्रेत आत्मा ही क्यों न बनी हो, सूक्ष्म पतनवासी ही क्यों न बनी हो, लगाव तो सबको लग गया ना। लेकिन अचानक इस दुनिया से सबको छोड़ना पड़े, कभी उन्हें तो अंतर आत्मा की बात खींच करके रख दी, कभी इतने निर्मल हृदय होते हैं। जब विनाश हुआ तो विनाश की सारी बात सारी अक्ष करके रख दी। हिमगिर के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जब एटम बम फटते हैं, समंदर में गर्मी बढ़ती है, तो सारा पानी खोल के, सारा पानी बॉइल्ड होकर के कहां उड़ जाता है, आकाश में उड़ जाता है। तो वर्षा कैसी होगी, कई दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रहेगी। और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ने से, नौ ग्रहों का बैलेंस बिगड़ने से चंद्रमा पृथ्वी में आकर के प्रशांत सागर में मिल जाएगा, तो प्रशांत सागर का जल इस बात बनेगा। जल का स्तर ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा, तो जितने भी महाद्वीप हैं वो सब डूब जाएंगे, रह जाएंगे, सब डूब जाएंगे। जलमयी 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 सारी दुनिया, बेहद की जलमयी होती है तो 8 बचते हैं। कितने बचते हैं, 8। एक ही पारिवारिक इकाई बचेगी, बाकी सब अज्ञान जल में डूब मरेंगे। तो बेहद की जलमयी तो ऐसी जब समझ में आ रही है, तो हद की जलमयी होगी वहां की बात बताई। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर, हिमालय पहाड़ की, हिमालय पहाड़ हो या कोई भी पहाड़ हो, उसकी ऊंची चोटी पर एक शिला की छांह में बैठा हुआ एक पुरुष, जो अनादि पुरुष कहा जाता है, जिसकी मौत कभी नहीं होती नहीं, बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। बहे चले जा रहे हैं सारे ही सारे, जिन्होंने बहुत प्यार किया, जिन्होंने बहुत दुलार किया, बहुत ज्यादा जिन्होंने सहयोग किया संगम युग में, वो भी क्या हो गए, वो भी बह गए। हाँ, निराकर स्टेज वाला था ना, उत्तम स्टेज में क्यों, निराकारी स्टेज जो है 100% लास्ट की कही जाएगी या थोड़ा सा परसेंटेज रह जाएगा तब की कही जाएगी, तो लास्ट स्टेज है नहीं उस समय। आज तो मुरली में बताया, अब पूरे तमो प्रधान बनते हैं तब मैं आकर के सत्व प्रधान बना देता हूं। और जैसे जो दूसरों को रोलाए वो खुद नहीं रोएगा, बताओ, सारी दुनिया को रोलाने का निमित्त बनेगा तो खुद रोएगा कि नहीं रोएगा, खुद भी रोता है। कोई बाप माँ बाप होते हैं, बच्चों की खूब जोर से धुनाई पिटाई कर देते हैं, फिर बाद में उनको रोना आता ही नहीं आता, हाँ आता है। बाबा तब नीला का स्टेज हो जब रोल रुलाएगा, जब रुलाएंगे सारी दुनिया को, तब नीला का स्टेज में रहते है ना, छोड़िए कोई बात नहीं होती है। आदमी देह अभिमान में रह करके दूसरों को रुलाता है या आत्माभिमान में रह करके रुलाता है, देह अभिमान में रह करके बुलाता है, रुलाता है। बाबा, हाँ, साईं बाबा
फुटबॉल पे साईं बाबा उसे लौकिक में फुट पड़ते साईं बाबा शरीर छोड़ दिया। हाँ वो लिख दिया मैं मंडिया में अगले जन्म जन्म लेते हैं नदी में पुनर्जन्म पुनर्जन्म लेते हैं अगले जन्म में पुनर्जन्म लेता हूँ। कहाँ जन्म लेता हूँ? मंडिया कर्नाटक कर्नाटक में मंडिया में पुनर्जन्म लेता हूँ। मंडिया में जन्म लेता हूँ ऐसा बोला स्टूडेंट्स को ऐसा बोलना मंडिया में ऐसा लिख करके गया बोलना सर स्टूडेंट के सामने सर बोल श्रीरंगपट्टनम मंडिया जिले में किसी गांव में बताया श्रीरंगपट्टनम दस किलोमीटर है बाबा यहाँ मैसूर से दस किलोमीटर चिन्नपटना श्रीरंगपटना। अरे श्रीरंगपटना तो ये रास्ते में ही है कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपटनम। अच्छा माने भगवान बन के पैदा हुआ। अच्छा प्रश्न है ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅನಾಥ ಮಗುವಾಗಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ वो बोल रहे हैं नदी के किनारे अनाथ बच्चे जैसे वो मैं मिलता हूँ अनाथ बच्चों की तरह मैं जन्म लूंगा जैसे क्राइस्ट क्राइस्ट बैगर के रूप में है। वो अनाथ माने बैगर ये सही है या नहीं? सही बात तो है क्राइस्ट बैगर है कि नहीं? तो बड़े बड़े बाल जो रखेगा वो दिखावा करने वाला है या नहीं बताओ? जो बड़े बड़े बाल रखे ऐसे 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 तो दिखावा करने वाला है कि नहीं? व्यक्तित्व ऐसा बना लिया कि लोग देखते ही प्रभावित हो जाएं। दिखावा करने वाला तो है तो दिखावा करने वाला जो है विदेशी हुआ या स्वदेशी? तो विदेशियों में सबसे बड़ा विदेशी तो क्राइस्ट है। वो क्राइस्ट क्या बनता है आखिरी जन्म में? बैगर बनता है। उन्होंने भी ऐसे ही बता दिया तो मैं क्या बनूंगा? बैगर बन। लेकिन बाबा अगले जन्म के बारे में वो कैसे जान सकते? ये क्या बड़ी बात है, दुनिया में कितने कितने हुए हैं जिन्होंने अपने अगले जन्म के बारे में बता दिया और सही बताया कि गलत बताया ये क्या पता है? उन्होंने बताया सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। पुट्टपर्ति साई बाबा बोला था मैं 96 उम्र तक रहता हूँ मगर वो 85 में ही चला गया। 96 उम्र तक की उम्र में जिंदा रहूँगा मगर 85 में ही चला गया। अच्छा 96 तक नहीं रहा, 10 साल पहले ही चला गया। 10 साल पहले ऐसे ही है, कोई भगवान थोड़े ही है जो सब बातें सच्ची साबित हो जाएंगी। कुछ बातें सच्ची भी साबित हो सकती हैं, कुछ बातें झूठी भी साबित हो सकती हैं। बड़े से बड़ा भगवान तो नहीं है, ऊंचे तो ऊंचे भगवान तो नहीं है। उनके साईं बाबा के पास बहुत साईं बाबा के पास बहुत भक्त 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 रहे हैं करोड़ में। वो ब्रह्म कुमार बनते हैं या नहीं? जो बहुत भक्त भक्त के हर हर धर्म में हर मठ पंथ में अच्छे से अच्छे भी होते हैं और बड़े से बड़े मूर्ख भी होते हैं, बड़े से बड़े पापात्मा भी होते हैं और बड़े से बड़े अच्छे भी होते हैं। पांचों उंगलियां कभी एक जैसी नहीं होती हैं कहीं भी नहीं। तो हर धर्म में जो अच्छे अच्छे हैं वो अच्छे अच्छे चुनके फिर भी ब्रह्मा कुमार और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और बाबा
भगवान को क्रिएटर कम डायरेक्टर, क्रिएट भगवान को क्रिएटर कम डायरेक्टर बोलते हैं ना भगवान को? हाँ, क्रिएटर का मतलब तो आपने बता दिया, आत्मिक का, स्मृति का, नहीं सब चीज क्रिएट करने वाला। हाँ, सभी को आत्मिक स्मृति देकर सबका बाप ऐसे इसी हिसाब से क्रिएटर बन। ऐसे ही डायरेक्टर के, डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है उसका मतलब, डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह के डायरेक्शन देता है ना, लेकिन सभी फॉलो नहीं करते ना बाप। बस कोई फॉलो करे या ना करे, कोई अच्छा एक्टर होता है, कोई खराब एक्टर होता है, कोई गधा, कोई हीरो का पार्टधारी है, तो ये ऐसे तो होते हैं। लेकिन सारी दुनिया के हिसाब से वो फिर भी डायरेक्टर, एक डायरेक्टर जो है वो पर्दे के पीछे हमेशा रहता है, तो वो डायरेक्टर है। क्रिएटर थोड़ी पर्दे के पीछे रहता है, क्रिएटर तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो प्रजापिता जब संपन्न स्टेज प्राप्त करता है तो नई सृष्टि की रचना करता है, और जब बाप समान बन जाए, और डायरेक्टर कौन है? वो पर्दे के पीछे रहता है, डायरेक्टर रहता है, प्रजापिता थोड़े ही रहता है पर्दे के पीछे। तो जो डायरेक्टर है वो पर्दे के पीछे, तो कौन हुआ वो डायरेक्टर? शिव बाबू हुआ डायरेक्टर है, तो दोनों एक ही पर्सनालिटी, पर्सनालिटी एक ही। बाबा क्रिएटर और डायरेक्टर दोनों अलग अलग है ना? एक स्टेज है, क्रिएट तब करेगा जब क्रिएशन करे। नई सृष्टि कब बनेगी? नई सृष्टि है क्रिएशन, और उसको क्रिएट करने वाला कोई प्रैक्टिकल में चाहिए या बिंदी चाहिए? प्रैक्टिकल में तो प्रजापिता ही। प्रजापिता जब संपन्न बने, कैसा संपन्न? निराकार बने या साकार बने? निराकार, निराकार स्टेज वाला बने, बाप समान बने, तब फिर नई सृष्टि क्रिएट कर सके। तब वो डायरेक्टर भी बनता है, डायरेक्टर को अभी अभी भी डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, डायरेक्शन दे रहा है, अभी नहीं डायरेक्शन दे रहा है, अभी भी दे रहा है डायरेक्शन, लेकिन पर्दे के पीछे है। उस समय पर्दे के पीछे कहाँ रहेगा? और संपन्न और संपूर्ण इन दोनों में एक ही बात, एक ही बात। बाबा ये पूछ रहा है भाई, जो भी शिखर है, शिखर छोटिया, छोटिया वो सभी लावा से ही बना है क्या? हाँ, क्योंकि जब पृथ्वी पर विस्फोट होते हैं, भूकंप आते हैं, तो ज्वालामुखी फटते हैं, माने पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है वो पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी भरी पड़ी है कि जैसे लोहे के कारखानों में फौलाद खौलती है, वो क्या नाम, लोहा, लोहा जैसे लिक्विड बन जाता है, खौलता है भाई, इतनी गर्मी भरी पड़ी है, वो गर्मी किसी तरीके से ऊपर की परत कमजोर हो गई, फट जाती है, जोर से लावा निकलता है। तो जो एवरेस्ट चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, वहां बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा। कब? हाँ, द्वापर के आदमी, तो वो चोटी बन गई, उसका नाम पड़ गया एवरेस्ट चोटी, सबसे ऊंची चोटी। कहाँ है? कौन से कोण में है? ईशान कोण में। एक एक पत्थर का शिखर है, है? पत्थर का शिखर एक है और एक मिट्टी का शिखर है। वो पुराने हैं, जो पहाड़ हो जाते हैं वो मिट्टी बन जाते हैं, बरसात लगातार पड़ रही है, धूप पड़ रही है, तो धूप और गर्मी और बरसात इसके लगातार असर होने से, उसका मार पड़ने से वो पत्थर टूटते रहते हैं, टूटते 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 क्या हो गए? मिट्टी बन गए। तो मैसूर में भी एक छोटा सा चामुंडी पहाड़ है। हाँ, ये भूकंप हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हिल एरिया है, है? और जैसे गौतम ऋषि का अर्थ है, वैसे गौतम बुद्ध का भी अर्थ ऐसे ही। गौतम, गौतम बुद्ध, हाँ, अर्थ क्या है? अस्त अर्थ,
गौ माने इंद्रिया, तम माने श्रेष्ठतम इंद्रियों ने, जिसने इंद्रियों से सबसे जास्ती सुख भोगा वो हो गया गौतम। कौन सा धर्म वाले हैं जो इंद्रिय का सुख सबसे जास्ती भोगते हैं? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का भी मुखिया कौन है? इब्राहिम। इब्राहिम का भी आधार कौन है? अरे बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है कि अम्मा ज्यादा पावरफुल होती है? अम्मा ज्यादा पावरफुल है तो आधार कौन है? हाँ हाँ ऐसे ही समझ लो, कोई भी हो, माना उसका जो आधार मूर्त नारायण बनता है, सेकंड नारायण, वो सेकंड धर्म पिता का आधार बनता है, और उस आधार को भी जन्म देने वाला बाप कोई होता है कि नहीं होता? बीज। बीज वो इंद्रियों का सबसे ज्यादा सुख भोगता है, ऐसे उसका भी कोई बाप है? कौन? प्रजापिता। उसका भी बाप, लेकिन वो योगी भी सबसे बड़ा है, वो बच्चा वो भोगी है सबसे बड़ा, वो इंद्रियों का भोग करने वाला वो इंद्रिय जीत बनता है, तो ये अंतर पड़ जाता है। तो आप बताओ, इंद्रियों का सबसे जास्ती भोग करे तो स्थूल रूप में आपके प्रश्न का जवाब आ गया कि नहीं? गौतम बुद्ध का नाम। गौतम, गौ माने इंद्रिया, सबसे जास्ती तम माने अंतिम स्टेज वाला, जो इंद्रियों का अंतिम स्टेज का सुख भोगे, 100% सुख भोगे, वो गौतम ऋषि हुआ। धर्म पिता उसका, उसको उसको टैली किया बुद्ध से, उसका नाम भी गौतम रखा। हाँ उसका नाम भी गौतम है, तो वो भी तो प्रवेश ही करता है ना, जिसमें प्रवेश करता है वो सेकंड नंबर का विधर्मी है, दूसरे नंबर का विधर्मी है कि नहीं? वो भी तो पावरफुल होता है, तो वो भी एक तरह से ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का सुख भोगने वाला है। और यहाँ एडवांस ज्ञान में, एडवांस में मैंने बीजु आत्माओं में ही आरामोच बीजु और उदामोच सभी है क्या? क्या आधार मूर्त बीजु और उदामोच सभी है क्या? थोड़े थोड़े तो स्त्री जन्म लिए ना सभी ने, हर आत्मा ने स्त्री जन्म नहीं लिए? लिया। तो जो जितने स्त्री जन्म लिए उतने ही आधार मूर्त होंगे, जितने पुरुष जन्म ज्यादा लिए हैं उतने उद्धार मूर्त होंगे। उत्तर उत्तर हर दो शब्दों से मिलता है, बनकर मिलकर के बनता है उद्धार, उद्धार उद्धार, जो नीचे से खींच करके ऊपर ले जाए। तो झाड़ के चित्र में शंकर को दिखाया है कि सब आत्माओं को खींच करके ऊपर ले जा रहे हैं, तो वो उद्धार मूर्त हो गया, बीज रूप हो गया। फिर और आत्माएं उसके मुकाबले जो एडवांस पार्टी में है, वो नंबर वार उद्धार मूर्त हुई ना, नंबर वार बीज रूप है, ऐसे ही आधार मूर्त, उन बीजों को आधार देने वाले, उन बीजों को हाँ हाँ जन्म देने, हाँ जन्म देने वाले। बाबा 5000 के बाद जब एक कलयुग चले जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, दूसरे मिनट में ही सब जब स्टार्ट होता है क्या? हाँ स्टार्ट होता है क्या? तब कैसा होता है? किसी नरक की दुनिया के अंदर स्वर्ग बनता है, ऐसे नहीं है पूरी दुनिया खलास हो जाती है तब स्वर्ग बनता है, नहीं कलम लगता है। पुरानी दुनिया के बीच, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की बात चाहिए देता हूं, जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, कराची में जो फाउंडेशन पड़ा था वो एक मॉडल था, सत्य में स्वर्ग का फाउंडेशन नहीं था, मॉडल था।
कैसा मॉडल था? हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बही थी, नरक का नजारा था, बहुतों ने देखा। लेकिन कराची में जो उस महल में पड़े थे, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। खून की नदियों का उनको पता भी नहीं चला। मस्त मौज में पड़े रहे, मस्त मलंग सुख में रहे, सुख की स्टेज में रहे, किसी को देखते ही नहीं थे, किसी को सुनते ही नहीं थे। तो संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। एक भाव का ही संग लगेगा। मूल्य में एक पॉइंट आया है, सारा मानवीय नॉलेज उसमें भरा हुआ है। सुप्रीम सोल शिव की प्रवेशता होने पर ये सारा नॉलेज एमर्ज हो जाता है। वो मानवीय नॉलेज का मतलब क्या है? मानवीय नॉलेज मनुष्यों का, मनुष्यों की दुनिया का नॉलेज, परिसृष्टि। अब मनुष्य कोई कोई कीड़े मकोड़ों जैसे कर्म भी करते हैं, जानवरों जैसे कर्म भी करते हैं, तो सारी सृष्टि का नॉलेज उसे हो गया, मनुष्यों का खास। बाबा, एक मुनि में पूछा गया है कि अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाने की क्या दरकार थी? वो तो भगवान को जानता था लेकिन सदगुरु को नहीं मानता था। वो राम है नहीं? बिनु भय होए न प्रीति गुसाई। जब तक भय नहीं थोड़ा दिखाया जाए तब तक प्यार पैदा नहीं होता है। आज की कंजी की दुनिया की यही रीति रस्म रिवाज है। तो भगवान भी धर्मराज के रूप में जब तक नहीं आता है तब तक प्यार पैदा नहीं होता ज्यादातर लोगों को। ये तो आठ ही हैं। आठ में भी सात की उनकी भी नाक थोड़ी रगड़ी जाती है। वो भी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। तो प्रीति और भय ये दोनों जरूरी है। दुख भी चाहिए, सुख भी चाहिए। जो नीचे नहीं गिरेगा वो ऊपर कैसे उठेगा? जितना नीचे जाने की ताकत होगी उतना ही ऊपर जाने की भी ताकत होगी। इस ज्ञान यज्ञ में राम वाली सोल ने दोबारा जन्म लेकर 69 में आती है। उसको यहाँ ले आने का निमित्त कौन बना? झाड़ के चित्र में देखो ध्यान से, मुस्लिम धर्म के जहाँ डाल निकलती है वहाँ कौन खड़ा है? थुर में नहीं दिखाई पड़ता चित्र को, साफ पास में ला करके देखो। देखो देखो ध्यान से देखो, झाड़ का चित्र नहीं रखा है कहीं? वो तो दूर हो गया, अलग से चित्र नहीं रखा। हाँ? ये है मुस्लिम धर्म। ये देखो कौन सी आत्मा खड़ी, ये कृष्ण की आत्मा है, शंकराचार्य। कृष्ण माने ब्रह्मा, कृष्ण माने कौन?
ब्रह्मा ब्रह्मा से सन्यासी निकलते हैं या राम से सन्यासी निकलते हैं? ब्रह्मा से सन्यासी। तो ये सन्यास धर्म ये दिखाया गया, जहाँ सन्यास धर्म है वहाँ ब्रह्मा, वहाँ ये ब्रह्मा कृष्ण की सोल खड़ी हुई है, और जहाँ मुस्लिम धर्म है वहाँ राम वाली आत्मा खड़ी हुई। लो धर्म माने मुस्लिम धर्म का जो आधार मूर्त है वो राम वाली आत्मा को ज्ञान में खींचता है। हाँ। जन्म देता है। वो कोई जाने पहचाने है? वो कोई जाने पहचाने आत्मा किया वो मुस्लिम धर्म का वहाँ उस समय? हाँ। फ्रेंड है कोई होगा? मुस्लिम धर्म का आधार मूर्त नहीं होगा कोई सत्युग में नारायण? हाँ 69 में बाबा है। हाँ 69 में इसका फ्रेंड है इसे कुछ भी कहो, फ्रेंड कहो, जन्म देने वाला बाप कहो, जो संदेश देता है वो क्या हो गया? बाप ही हो गया बेहद। बाप विदेशी बन करके आया है कि स्वदेशी बन के आया है? विदेशी। तो विदेश में ओ, 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 विदेशों से ज्यादा प्रभावित होगा या स्वदेशियों से ज्यादा प्रभावित होगा? विदेशी। बाप विदेशी बनकर आया है तो विदेशियों से प्यार करेगा कि नहीं करेगा? तो भारत के नजदीक विदेशी कौन सा है, कौन सा विदेश है? पाकिस्तान। रुद्रमाला और विजयमाला में पाकिस्तान कौन है, हिंदुस्तान कौन है? रुद्रमाला क्या है? पाकिस्तान। रुद्रमाला पाकिस्तान है और विजयमाला है पाकिस्तान जो है वो रुद्रमाला नहीं है। पाकिस्तान क्या है? पाक। पाक माने पवित्र स्थान कौन सा है? पाकिस्तान। और अपवित्र स्थान हिंदुस्तान। ज्यादा फाइव स्टार होटल हिंदुस्तान में खुले हुए हैं या पाकिस्तान में खुले हुए हैं? तो फाइव स्टार होटलों में ज्यादा गंद चल रहा है हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में ज्यादा गंद चल रहा है? पाकिस्तानियों में फिर भी बंधे हुए हैं मुसलमान, चार शादियां कर सकते हैं क्या? और हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में तो गिनती नहीं। फाइव स्टार होटलों में जाकर कितनी पत्नियां बनाते हैं, गिनती है? गिनती नहीं। तो ज्यादा पतित कौन हुए? भारतवासी ज्यादा पतित हुए। ये ना पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान। तो बाप विदेशी है कि स्वदेशी है? ज्यादा पत्नियों वाला है कि कम पत्नियों वाला है? धर्म पाकिस्तानी हो गया ना। चलो और बाबा। हाँ आज ही ज्ञान में आएगे आगे क्या है? आज आश्चर्य थी तब भी आश्चर्य ज्ञान में आ गए। अभी अभी तो वाणी सुनी इंग्लिश रिसेंट? नहीं नहीं सुनी। नहीं क्यों? अभी तो वाणी इंटरनेट से आती है, सब जगह आ जाती है। सब क्या बात इंटरनेट नहीं है? सब क्या बात इंटरनेट नहीं है? जब बाबा सुनाते हैं अवैतवाणी तब भी सुनते हैं। क्या अम्मा की भी बात माननी चाहिए? ब्रह्मा की बात नहीं सुनेंगे? बाबा के हैं अवैतवाणी में तो बोला हुआ है। आखिरी सीजन के बच्चे आ गए, टू लेट का बोर्ड बल लग गया तो भी आ गए। तो टू लेट का बोर्ड कब लगता है? अंत में। उससे पहले बोलते थे, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। और अभी क्या बोल दिया? टू लेट का बोर्ड लग गया माने कितने प्रत्यक्ष हो गए? आठ प्रत्यक्ष हो गए। भले सबको प्रत्यक्ष नहीं हुए लेकिन जो नजदीकी होंगे उनकी बुद्धि में आने लगा कि हाँ यही अष्टदेव है। चार सूर्यवंशी चार चंद्रवंशी दोनों मिलकर कितने हुए? आठ हुए ना। तो प्रत्यक्ष नहीं हुए सिर्फ दो।
सिर्फ दो प्रत्यक्ष हुए। बोलो भाई कहाँ गया? पीछे बैठे कुमारों में से बोलो। मालूम नहीं बोलो है कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऊपर चला गया क्या? ज्यादा संकल्पों की मार पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? हेलो है, अरे कहाँ गया है? आप तो अम्मा हैं। अरे हाँ ज्यादा धर्मराज की मार खा दे तो धर्मराज को पहचानेगा नहीं है? धर्मराज साथ साथ फिर धर्मराज जिसको अपने अंडर में जल्दी ले लेता है वो बौद्ध धर्म भी कोई दूर तो नहीं है। इस्लाम धर्म के बाद कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। कुमारिका दादी अगर इस्लाम धर्म की हैं तो मनमोहनी दीदी कौन से धर्म की थी? बौद्ध धर्म। गोल मोहड़े वाले सबको जानते हैं कौन से धर्म के होते हैं? भरा भरा चढ़ा गोल 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 मटोल चेहरा हट्टे कट्टे गोरे चिट्ठे बौद्ध धर्म तो क्लियर होता है, है बुद्धू। लेकिन हैं बाप के प्यारे है, थोड़ा गड़बड़ होते हैं बस फटाक से बाप उनको माया हलकार देता है, है? लगा माया को हुस्कारा और माया ने चंबा मारा। माया चंबा मारती है तो उठ के खड़े भी हो जाते। अभी जापान में क्या हुआ? भूकंप हुआ जापान में। जो भी चीजें बनती हैं बहुत कॉस्टली होती हैं, कम कॉस्टली होती हैं? महंगा महंगी होती है। ये अच्छी बात है महंगा कर देना या खराब बात है? अच्छी बात है, खराब बात है। अरे जितने का कच्चा माल में लगाओ उससे दुगना तुम ले लो, तीन गुना ले लो। कच्चे माल को कन्वर्ट करके पक्का माल बनाया उसका आधा हिस्सा ऐड कर दो और फिर जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एजेंट लोगों को देने के लिए आधा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट और उसमें ऐड कर दो। कच्चे माल का तीन गुना ले लो, चार गुना ले लो। वहां तो एक एक चीज के कितना कितना का दाम लगा लेते हैं। पाप बढ़ रहा है तो ये सब कहां जाएगी कमाई? बैंक बैलेंस बढ़ाते रहो, फायदा क्या हुआ? ये भ्रष्टाचार नहीं है? हाँ। बाबा कहते वो भ्रष्टाचार, वो अलग है, दुनिया भी भ्रष्टाचार और यहाँ कौन सा भ्रष्टाचार है? मन से हाँ लगाव लग जाना यहाँ का भ्रष्टाचार है। बाबा हाँ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇದ್ದು ಇವಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿರುವೆ. ಇವಾಗ ಶರ್ಟು ಪಂಜೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗ್ಸ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಯೆ, ಎಷ್ಟೇ ಬಿರ್ಸಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಕಾತುರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಬಾಬಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್? ನಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿವೆ? ನೀವು
ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ದುಂಡಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. अपना पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा है, बहुत मुसीबत है उसको क्लास में आने जाने के लिए कपड़े खाना सब कुछ मुसीबत है. हाँ. पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा है. यहाँ फटे कपड़े पहन के आते हैं तो उनको मना किया जाता है आने के लिए ही. वो बहुत तो कपड़े की प्रॉब्लम बताई तो फटे कपड़े अगर कोई पहन के आता है तो क्या मना करेंगे? मना तो नहीं किया जाता. पेट के प्रॉब्लम भी है, खाने के प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम भी है. खाने की प्रॉब्लम है, चलते फिरते हाथ तो हाथ पांव तो है, चलते फिरते हैं. खाना आदमी कम भी खाएगा तो भी चलता फिरता बना रहता है, ज्यादा खाने वाला भी बीमार पड़ता है. तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्लास में आने के लिए. बाबा तो कहते 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास अटेंड करो. बाबा तो भाई बहुत बंधन में ये बंधन भी जितने भी हैं वो आत्मिक स्थिति वाले के लिए बंधन है कि देवानों के बंधन होते हैं. बंधन कब होते हैं? पेड़ को पकड़ लिया और कह रहे हैं हमें बड़ा बंधन है, बहुत बंधन है, तो ये क्या ठीक बात है? क्लास पर आने जाने का छोड़ता नहीं उसका. क्लास पर आने जाने को भाई को छोड़ता नहीं. कौन नहीं छोड़ता? वो उसका पत्नी बेटा घर वाले सब. पत्नी पति को फॉलो करे या पति पत्नी को फॉलो करे? उल्टा हो गया. क्या कैसे उल्टा हो जाएगा? करेंगे तब उल्टा होगा, अपने आप उल्टा हो जाएगा. रचयिता रचना के कंट्रोल में होना चाहिए या रचना रचयिता के कंट्रोल में होनी चाहिए? वो डरता है इसलिए. डर आत्मा डरती है कि देह देवान डरता डरता है? कौन डरता है? देवान. फिर देवान डराता है. देवान से आदमी को डर पैदा होता है. हम आत्मा हैं, किस बात का डर? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, कौन मार लेगा हमको? ಕಾಫಿ ಬಿಟ್ಟು ಊಟದ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕು, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೈಸೂರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. अरे वो समझने वाले तो समाधान समझ ही नहीं पाएंगे क्या वो बोल रहे हैं. कुछ बोल रहे हैं उसका समाधान तो दिलवा दो. उसका पर्सनल प्रॉब्लम बोल रहा है. कौन सी प्रॉब्लम हो? आने जाने को भी पैसा नहीं है उसका, ये प्रॉब्लम बता रहा है. कुछ भी नहीं दे, आने जाने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है. जिंदगी में जो कुछ भी कमाया किसको दे दिया? घर वाले नहीं देते. किसको दे दिया? दे किसको दिया? कमाने वाले की अपनी मुट्ठी में होता है कमाई, कमाई हुई चीज. कमाई सारा प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी पूरा. कुछ कमाया कि नहीं कमाया? पूरा प्रॉपर्टी उसको लिख दिया वो. क्यों? किसने लिख दिया? वो गलत करते रहे इसलिए. किसने लिख दिया? तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? मोह की गलती है या आत्मा की गलती है? फिर शिकायत किसको कर रहे हैं? जो जो योग्य नहीं है उनके हाथ में सत्ता सौंपनी चाहिए कि नहीं सौंपनी चाहिए? कंस के हाथों में सत्ता सौंप दोगे तो वो तो बाप को मार डालेगा ना. जानते तो हैं कि ये कंस है, तो कंस के हाथों में सत्ता सौंपनी चाहिए नहीं सौंपनी चाहिए? वो तो सब हो गया बाबा, अब क्या करना वो बोल रहे हैं. हाँ, मेरा पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत डिफिकल्ट में यहाँ. जिसके पास कुछ भी नहीं वो तो बेगर. बेगर को तो न पत्नी है, न घर है, न मकान है, न जमीन है, न जायदाद है, खाने के लिए दो पैसे भी नहीं है रोटी. ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो बाप नहीं आया हुआ? बाप के पास जाना है. कभी एक बार बोला? हाँ.
मुझे नहीं मालूम होगा, पूछो ना द्वार नजदीकी तुम्हें। चलो टाइम हो गया बाबा, हमारी गाड़ी छूट जाएगी बाबा। नहीं एक ही प्रश्न, हाँ नया नया आता है आत्मा, हाँ हम थोड़ा थोड़ा सर्विस करता है, इसलिए वो डिस्क वार्तालाप और मुरली कारण में ट्रांसलेशन चाहिए, नींद नहीं तो नींद आता है इसे मेरे को पूछता है। नींद आता है, नींद आने के लिए तो बाबा ने बता दिया ना, एक ड्रॉपर रहता है, ड्रॉपर में सरसों का तेल डाल के रखो, जब नींद आए तो आधा बूंद लेकर एक आंख में लगा लो, आधा पौन घंटा नींद नहीं आएगी, फिर थोड़ी आंख ठंडी पड़े फिर नींद आएगी, फिर दूसरा बूंद आधा लो दूसरी आंख में लगा लो, फिर आधा पौन घंटा नींद नहीं आएगी, फिर ऐसे तीसरी बार भी लगा दो और क्लास का टाइम पूरा हो जाएगा। आप तो हंसी उड़ा दिया। अरे बाबा ने युक्ति बताइए मुरली में, नहीं मानेंगे ट्रांसलेशन चाहिए कनाडा, नहीं ट्रांसलेशन चाहिए तो यहाँ आओ, यहाँ ट्रांसलेशन मिलेगा। भाई गीता पाठशाला खुली किस लिए? इसीलिए खुली है कि यहाँ गीता पाठशाला रोज क्लास करो, रोज ट्रांसलेशन लो, आपको तो बढ़िया गीता पाठशाला मिली है। हाँ यहाँ तो दोनों तीनों नहीं, चार चार ट्रांसलेशन करने वाले बैठे। और खेल खलास करो।